अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम माय चैनल। मैं आज आपसे शेयर करूंगी कढ़ाई पनीर की रेसिपी, जिस तरह से मैं बनाती हूं। ये देखिए, मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म हो जाएगा, इसमें पनीर के टुकड़े तल लेंगे हम। पनीर के हम छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे। ये देखें, मैं काट रही हूँ। अब मैं इसे तल लूंगी। अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और दोस्तों प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, ताकि नई नई आपको रेसिपी मिलती रहें। और अगर किसी और चीज़ की रेसिपी आप लोगों को पता करनी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें, और प्लीज़ बताएं कि कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी। सबका अपना अपना अलग तरीका होता है सब्जियां बनाने का। मैं इस तरह से बनाती हूँ कढ़ाई पनीर। ये देखिए, मेरा पनीर फ्राई हो रहा है। ये एक साइड से गोल्डन हो जाए तो इसे पलट दें। ये मैंने देखो शिमला मिर्च और प्याज काट ली है। इसमें जाएंगे 2 टमाटर, 3 हरी मिर्च और मर्च। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह काजू या खसखस यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ये तरबूज की मींगे ही यूज़ करें। ये देखें, ये मैंने इन चीज़ें तीनों चीज़ों का पेस्ट बना लिया है। देखिए, मेरा पनीर फ्राई हो चुका है। अब इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे हम। पहले शिमला मिर्च फ्राई कर लेंगे। थोड़ी नरम होने तक इसे हमें फ्राई करनी है। थोड़ा सा ढक दें ताकि ये जल्दी मुलायम हो जाए। ये देखें, ये फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं इसे निकाल लूँगी। ये डिश बहुत टेस्टी बनती है फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई करें एक दफ़ा इसे, और बहुत इजी भी है, आसानी से बन जाती है। अब हम इसमें फ्राई करेंगे प्याज। अब मैं डालूंगी कढ़ाई में प्याज। इसे भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। बस इतना फ्राई करना है हमें प्याज को, ये मुलायम हो जाए। गोल्डन नहीं करना है प्याज को, इस बात का ध्यान रखें। ये देखें, ये मुलायम हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे।
मैंने सारी प्याज निकाल ली है प्लेट में। अब हम इसमें डालेंगे जीरा। अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च, नमक, हल्दी और दो तीन कटी हुई हरी मिर्च। ये हम अदरक लहसुन भून लेंगे। ये देखें, ये अदरक लहसुन हमारा भून चुका है। अब इसमें डाल देंगे हम बाकी सारी मसाले। इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे मसालों को। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये कढ़ाई में ना लगे। अब पिसा हुआ पेस्ट भी डाल देंगे टमाटर और मींगो का और हरी मिर्च का। सारी ग्रेवी को अच्छी तरह से हमें भून लेना है। इसे तब तक भूनना है जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। इसमें डालेंगे थोड़ी मेथी, ये मैंने पानी में भिगो दी थी। इसे फ्रेंड्स पानी में ज़रूर भिगोएं, क्योंकि रेडीमेड जो मेथी आती है उसमें रेस ज़रूर होती है। अगर हम इसे पानी में भिगो देते हैं तो उसकी रेत नीचे बैठ जाती है और ये मेथी ऊपर आ जाती है, इसलिए पानी में भिगो कर ही मेथी को यूज़ करना चाहिए। ये देखें, ये मेरा मसाला अब भून चुका है, इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि कढ़ाई में ना लगे। मसाला लगने से टेस्ट ख़राब हो जाता है, इस बात का ध्यान रखें। ये देखें, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है मसाला भूनकर। अब मैं इसमें ऐड करूंगी तली हुई प्याज, शिमला मिर्च, इसे मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर दें। मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी ताकि ये नीचे ना लगे। इसे थोड़ी देर पका लें ताकि ये बिल्कुल शिमला मिर्च और जो प्याज है वो बिल्कुल गल जाए। देखिए, ये बिल्कुल नरम हो चुके हैं अब दोनों चीज़ें। इस तरह से दबाकर देख लें, अगर ये गल चुकी है तो समझ लें दोनों चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसमें डाल देंगे फ्राई किया हुआ पनीर। इसे भी हम मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें डालूंगी पिसा हुआ गरम मसाला। ये देखें, अब ये बिल्कुल बनकर सब्जी रेडी है। मैंने गैस बंद कर दी है। तो दोस्तों, ये रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इंशाल्लाह जल्द ही अगली वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।